आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के सिरवी नारायण में बीते रात अनोखी पहल देखने को मिली। यहाँ के कनौजिया कुर्मी समाज की द्वारा भव्य गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। वहीं गरबा करने वाली युवती और महिलाओं के लिए पुरस्कार वितरण की गई। आपको बता दें कि नवरात्र के पावन महीने में सप्तमी की रात कनौजिया कुर्मी समाज के द्वारा भव्य गरबा का आयोजन किया गया, जहाँ युवतियों और महिलाओं ने अपने गरबा नृत्य की छटा बिखेरी। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य ज्योति किशन कश्यप आई हुई थी। वहीं गरबा नृत्य में आयोजक के द्वारा पुरस्कार भी रखा गया था। पूरी रात विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इसी के तत्वाधान में कनौजिया कुर्मी संगठन द्वारा आज यहाँ सिरवी नारायण के कुर्मी धर्मशाला में परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को प्रस्तुत करना है और हमारे समाज में जब से महिला संगठन का संगठन हुआ है, तब से लगातार हमारी संगठन की पदाधिकारी महिलाएं लगातार महिला सशक्तिकरण का को प्रोत्साहन कर रही हैं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य जो है पूरे समाज में जो है महिला, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सबको जो है समान समझकर जो है कार्यक्रम में सम्मिलित करना है और शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, शिक्षा मोटिवेशन के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना है, ताकि हमारा समाज जो है आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति, चिकित्सा, विभिन्न क्षेत्रों में अपना जो है स्थान बनाए। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है समाज के विकास, व्यक्ति के विकास और महिलाओं को जो है उचित स्थान, उनको मंच प्रदान करना है। हम लोग रायगढ़ से और बिलासपुर से आए हुए हैं। ये हमारे समाज द्वारा महिला के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जो कि बहुत अच्छा है और हमको आके बहुत अच्छा लगा है इसमें, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम इससे पहले बहुत ही कम आयोजित हुआ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक महिलाएं इतनी संख्या में यहाँ पर पहुँची और आज यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं इतने अच्छे से नृत्य कर रही हैं, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे हमारे समाज को बहुत बल मिलेगा और बहुत आगे बढ़ेगा और महिलाएँ भी बहुत आगे बढ़ेंगी इससे। कुर्मी समाज ने एक ऐसा मंच दिया जहाँ माँ, बहू और बेटी और बहन सब एक मंच में आए, इसके लिए हम कुर्मी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम हमेशा हो और सास, बहू, बेटी सब मिलकर के डांस करें, बहुत उत्साह के साथ डांस करें, यही मैं चाहती हूँ।